I'm aiming for 1,000 subscribers before 1 year anniversary of my channel, जो कि 1 January को है. Please guys, 1,000 subscribers तो करने हैं. अगर आपने subscribe नहीं किया है, share नहीं किया अपने family friends में, please do it and subscribers जल्दी से करवाओ यार. तो चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग. सो बेसिकली आज हुआ क्या ना कि मैं कॉलेज से जल्दी आ गई. तो जल्दी इन द सेंस मैं 12 बजे घर पे पहुंच गई थी. तो आई थॉट कि मैं मम्मी की हेल्प कर देती हूँ. सो दैट्स व्हाई आई मेड द लंच एज यू हैव सीन इन द क्लिप. एंड लंच में कढ़ी थी एंड रात के बचे हुए छोले थे जो कि मैंने दोबारा गर्म किए. कढ़ी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है. अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर यहाँ पे आपको कहीं मिल जाएगा. एंड तो बेसिकली व्हाट आई वाज थिंकिंग टुडे की यू नो अ लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग मी अबाउट माई हेयर केयर, लाइक हेयर केयर प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग या मैं अपने बालों के लिए क्या करती हूँ क्या नहीं. और अब तो मैंने इनको कलर करवा लिया तो इनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है. तो व्हाट आई एम डूइंग फॉर दैट, सो नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई एम डूइंग. मेरे बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ. मैं ज़्यादा मतलब अगर मैं एक टाइम पे एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसको हटा के दूसरा नहीं यूज़ करती हूँ. आई गो फॉर होम रेमेडीज़, बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ रेदर देन यूजिंग दी प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली मैं आज आप लोगों को दिखा दूँगी अभी मतलब कि वट ऑल आई डू फॉर माई हेयर केयर. एंड या लेट्स आई शो यू, मतलब थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने मतलब बालों के केयर के लिए क्या यूज़ करती हूँ. उससे पहले वन मोर थिंग, कल मैंने वोट डाली है. हमारे यहाँ हरियाणा में वोटिंग हो रही थी, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग हो रही थी तो मैंने वोटिंग डाली है. सो इफ़ यू आर फ्रॉम हरियाणा एंड आपने वोट डाला है देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. एंड तो आई विल शो यू माय प्रोडक्ट्स व्हाट ऑल आई यूज़ फॉर माई हेयर केयर. सो वेट एंड वॉच. सबसे पहले एक और बात, प्लीज़ गाइज अगर जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी है उसका मतलब ये नहीं है वो आप लोगों के लिए भी वर्क करेगी. बट मैं सिर्फ आप लोगों ने जैसे पूछा तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं अपने बालों के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ. एंड अगर मुझे कुछ रिकमेंड करना पड़े इनमें से अगर कोई चीज़ ऐसी होगी ना जो बहुत अच्छी है तो मैं पक्का रिकमेंड करूँगी. सो या स्टार्ट करते हैं. मैं हफ्ते में एक बार अपने बालों में मास्क लगाती ही लगाती हूँ. वो अलग रेयर चांसेस होते हैं कि टाइम नहीं हो तो नहीं लग पाए तो उस केस में नहीं लगाती हूँ. बट अगर टाइम हो देन डेफिनेटली आई यूज़ हेयर मास्क. एंड बहुत सारे DIY हेयर मास्क की रेमेडी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है. आप प्लीज आके उन्हें चेकआउट कीजिएगा. एंड हो सका तो मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी जितने भी मैंने आज तक DIY हेयर
रेमेडीज आपके साथ शेयर की है. एंड रही बात की ऑयलिंग एंड ऑल दैट की, सो मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कोकोनट ऑयल लगाना. मैं कोकोनट ऑयल को एज अ बेस बना के उसके अंदर जो भी मुझे मेरे हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ऑयल्स डालती हूँ एंड देन उसे यूज़ करती हूँ. सो कोकोनट ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ फ्रॉम पैराशूट, जो कि ये है पैराशूट का ऑयल. आप सबको पता है कॉमन ऑयल कौन सा है, वो मैं यूज़ करती हूँ. एंड वो अगर बाई चांस ख़त्म हो जाए देन आई गो फॉर क्लिनिक प्लस नरिशिंग हेयर ऑयल नॉन स्टिकी कोकोनट वाला. इसका भी ये कोकोनट वाला वर्जन ही मैं यूज़ करती हूँ. मुझे मतलब बेस में अगर लगाना हो कोई ऑयल तो मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ. अगर मैं दुनिया भर में कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ मुझे ऑयलिंग करनी है, देन आग बंद किया और कोकोनट ऑयल उठाया और यूज़ किया, तो बिकॉज स्टार्टिंग से मैं उसे ही यूज़ करते आ रही हूँ तो मुझे वही अच्छा लगता है यूज़ करना. एंड अगर मुझे कोकोनट ऑयल में लाइक अगर मुझे मेरे बालों को थोड़ा कुछ अच्छा केयर देनी है, समथिंग देनी है, जो कि मैं पिछले 3 साल से अब ऐसे ही कर रही हूँ, व्हाट आई डू इज कोकोनट ऑयल को लेती हूँ मैं. मैंने मेरे एक व्लॉग में पूरी रेसिपी शेयर की है कि मैं अपने घर का ऑयल कैसे बनाती हूँ. लाइक घर का ऑयल ऑब्वियसली ऑयल सारे होते हैं, मतलब मिक्स एंड मैच करके कैसे मैं इसे यूज़ करती हूँ. सो उसमें जो ऑलिव ऑयल डालती हूँ मैं वो ये दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड Borges olive oil classy, add a touch of olive flavor to your dishes. Basically ये cooking वाला olive oil है एंड ये बहुत ज़्यादा thick होता है, that's why इसकी सिर्फ half से भी कम tablespoon is enough आपके अगर इतने length के बाल हैं उनके लिए. So ये use करती हूँ मैं and this is बाकी इन सब का pictures बाकी इन सबके पिक्चर्स आपको यहाँ दिख जाएगी बिकॉज अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, आई अंडरस्टैंड. सो ऑलिव ऑयल के लिए वो वाला यूज़ करती हूँ मैं. एंड कैस्टर ऑयल के लिए आप चाहें तो कोई भी कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई अच्छे ब्रांड का कैस्टर ऑयल हो वो यूज़ हो जाए तो और अच्छी बात है. सो अभी तो मैं आपको कैस्टर ऑयल के लिए कुछ सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर वीडियोस बिकॉज मैं भी करंटली एक कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ. मैंने 30-day चैलेंज लिया है उसका एंड तो फिर उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे. अभी मुझे वो प्रोडक्ट डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ मैं आप लोगों को, तो दैट. सो कैस्टर ऑयल यूज़ कर लेती हूँ उसके अंदर. देन आई ऑल्सो यूज़ नीम ऑयल. अगर आपके डेंड्रफ है या फिर आपको इचिंग प्रॉब्लम है या आपको बाल सिर में भी कुछ कुछ लोगों को एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं या फिर इचिंग होती है या जो भी आपको अगर अपने बालों में प्रॉब्लम है, तो आई ऑल्सो एड दिस नीम ऑयल इन माई ऑयलिंग वाला पिटारा. एंड इसमें दिस इज़ फ्रॉम नेचर्स तत्व, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, नेचुरल नीम ऑयल. एंड इतना मैंने इसे यूज़ कर लिया है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया है बिकॉज जस्ट वन और टू पम्प्स आर इनफ. अपनी फेस के लिए भी यूज़ कर रही हूँ. सो जब कभी कोई स्किन केयर वीडियो आएगी तो उसमें मैं ज़रूर शेयर करूँगी. या फिर अगर आपको चाहिए नीम ऑयल की यूजेस कि नीम ऑयल को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, देन कमेंट डाउन बिलो, आई डेफिनेटली लव टू शेयर दैट. बट नेचर तत्व की एक ऐसा ब्रांड है जिस पे आई ट्रस्ट, सो दैट्स वाई मैंने इसका नीम ऑयल परचेज किया. थोड़ा नेचुरल आते हैं, मतलब थोड़ा है थोड़ा नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ये इसके, आयुर्वेदिक सॉर्ट ऑफ, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना कुछ कोई चीज़ बोले कि इट्स नेचर तत्व, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, सुनने में भी इतना भारी भरकम. दीज आर दी ओनली ऑयल्स जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे हेयर के लिए. इनके अलावा आई ट्राई डिफरेंट ब्रांड्स बट सबको ट्राई करके देन इनके पास वापस आ जाती हूँ, और अगर उनमें से मुझे कुछ अच्छा लगता है तो उनको मैं इसी में इंक्लूड कर देती हूँ. सो दिस इज़ वॉट आई डू. सो उसके बाद ऑल्सो वन मोर थिंग, ऑयलिंग में अगर मैंने मास्किंग नहीं की है हफ्ते में, लाइक मैंने जैसे बोला मैं हफ्ते में एक बार मास्किंग करती हूँ, अगर मैंने मास्किंग नहीं की है बाय चांस तो मैं हफ्ते में 2 बार जैसे हेयर वॉश करती हूँ तो मैं दोनों बार ऑयलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. आप ना ये मत सोचिए कि मैंने अभी तो ऑयल किया था, यार ऑयलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेयर. अगर आप 1-2 बार भी स्किप कर देते हो आपको आपके बालों के टेक्सचर में, बालों में ही डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा, वो थोड़े से रफ हो जाएंगे, मैनेजेबल नहीं दिखेंगे. सो मेक श्योर कि ऑयलिंग तो बिल्कुल स्किप ना कीजिए. आपके बालों की जैसी कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑयल चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑयल लेना है. आफ्टर दैट
हेयर वॉश करने के लिए आई यूज दिस दिस इज अ ट्रेस्मे यूज बाय प्रोफेशनल्स कैरेटिन स्मूथ विद कैरेटिन एंड आर्गन ऑयल एंड ये वाला शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ एंड दिस इज़ द बेस्ट एवर शैम्पू आई हैव एवर यूज इन माई लाइफ. ये मैंने एक दो लोगों को रिकमेंड भी किया है एंड मैंने उनसे भी इसके बारे में अच्छा ही सुना है. एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग माई हेयर वीडियो या फिर किसी भी वीडियो में अगर मैं शैम्पू की बात कर रही हूँ देन यू नो मी दैट आई नेवर एक्सपेरिमेंट विद शैम्पूज. लाइक अगर ट्रेस मैं ब्रांड्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ बट इनके अंदर जो होता है उसके साथ ज़रूर एक्सपेरिमेंट करती हूँ. लाइक इफ़ आई एम यूजिंग ट्रेस्मे आई एम यूजिंग ट्रेस्मे फ्रॉम लास्ट 4 years आई गेस लाइक 4 or 5 years हो गया मुझे ट्रेस्मे यूज़ करते हुए. इसके सिवा मैंने सिर्फ बीच में एक बारी एक्सपेरिमेंट के लिए बायोटिक यूज़ किया था. उसके शैम्पू भी अच्छा था नो डाउट. मैंने उसके बारे में भी एमटीज़ की वीडियो में बात किया है सो आप उसमें चेक कर सकते हैं. सो ट्रेस्मे का व्हाट आई डू इज़ ब्रांड यही रहता है और अंदर की चीज़ चेंज. लाइक ये कैरेटिन स्मूथ है उसके बाद इसका स्पा वेरियंट आता है देन वी हैव दी केमिकल ट्रीटेड हेयर वाला वेरियंट देन वी हैव दी एटमोसफेयर चेंज होता है. मतलब बहुत वेरियंट वाले हैं मुझे उनका एग्जैक्टली नाम याद है सिर्फ मैंने आपको बताया है कि क्लाइमेटिक चेंज वगैरह वगैरह बहुत सारे वेराइटी में आपको मिल जाएंगे. आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. व्हाट आई डू इज आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ शैम्पूज फ्रॉम देम. कुछ मुझे अच्छे लगे हैं कुछ मुझे बुरे लगे हैं बट ये मेरा हमेशा का फेवरेट है. लाइक मैं एक यूज़ करती हूँ 6 महीने देन उसको ख़त्म करने के बाद मैं दोबारा इस पर आ जाती हूँ. अभी ये बॉटल ख़त्म होगी उसके बाद आई विल यूज़ अ डिफरेंट वन एंड देन वो जब ख़त्म होगी देन मैं अगेन इसी पर आ जाऊँगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशनर. कंडीशनर के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत रिजिड हूँ मेरे रूटीन के साथ कि अगर मैंने शैम्पू से हेयर वॉश किया तो मैं कंडीशनर पक्का यूज़ करूँगी उसके बाद नहीं. अगर मुझे याद रह जाता है या फिर अगर मुझे लगता है कि मेरे बालों को थोड़ा सा अच्छा सा दिखना चाहिए थोड़ा सा उनको मैनेजेबल दिखना चाहिए समथिंग लाइक दैट देन आई गो फॉर कंडीशनर. एंड माय गो टू कंडीशनर्स आर आल्सो फ्रॉम ट्रेस्मे. तो ये दोनों रखे हैं ट्रेस्मे के. मैंने जैसे बताया कि याद रहा तो यूज़ करती हूँ वरना ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार बाल वॉश करूँ तो कंडीशनर यूज़ करूँ. तो ये मेरे ख्याल से मेरे पास पिछले 1 साल से रखे हुए हैं दोनों. इस पर तो बहुत ज़्यादा गर्दा भी जमा हुआ है बिकॉज सी यू कैन सी यूज़ के भी कितना टाइम हो गया है. दिस इज़ फॉर स्ट्रेटर शाइनी हेयर कंडीशनर 100% स्मूथ शाइनी हेयर विद आर्गन ऑयल. आर्गन ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर. तो अगर आपको अगर नॉर्मली भी आर्गन ऑयल यूज़ करें तो आप अपने बालों के लिए कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं आप वही प्रोडक्ट्स लें जिनमें आर्गन ऑयल हो. सो एंड दिस इज़ ऑल्सो वन फ्रॉम ट्रेस्मे ओनली. इसका ऊपर का उतर गया. ये भी नॉर्मल शाइनी स्मूथी हेयर के लिए होगा. सो इसके कंडीशनर्स भी अच्छे हैं. मुझे इसका पूरा कॉम्बो ही अच्छा लगता है दैट्स वाई मैं इसके साथ ट्रेस्मे की कंडीशनर लेती हूँ. पहले व्हाट आई यूज़ टू यूज़ डव वाले कंडीशनर बट वो एक तो आते एक्सपेंसिव हैं ऊपर से वो कुछ नहीं करते हैं सो मैंने वो छोड़ दिया. जब मैंने शैम्पू ट्रेस्मे यूज़ करना स्टार्ट किया तो मैंने कंडीशनर भी वही किया. सो दीज आर दी माय कंडीशनर विच आई यूज़. एंड जब बाल कंडीशन हो गए हैं बाल वॉश हो गए हैं बाल लाइक 90% या फिर बाल टाल ड्राई हो गए हैं उसके बाद आई ऑलवेज लाइक ये तो मेरा आग बंद करके है कि मैं बालों में सिरम लगाती ही लगाती हूँ. लाइक मैं बहुत रेयर चांसेस होते कि मेरे सिरम बोले लाइक बहुत रेयर चांसेस. अदरवाइज आई ऑलवेज गो फॉर सिरम. एंड सिरम के लिए मैं यूज़ करती हूँ स्ट्रीक्स हेयर सिरम. बेसिकली ये वॉलनट ऑयल वाला है. इसका एक ब्लू वाला वेरियंट भी आता है. मैंने ब्लू वाला भी कर रखा है और ये भी कर रखा है. एंड आपको एक सिरम की बॉटल बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलती है सो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये छोटी सी बॉटल यार क्या काम आएगी. जस्ट 2 ड्रॉप्स लेती हूँ मैं इसके हाथ में अच्छे से उनको वार्म अप करती हूँ एंड देन नीचे टिप्स पे लगा देती हूँ. और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत कहीं बच गया दिन में ऊपर के एरिया में लगाती हूँ. अदरवाइज मैं उसके लिए कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ. सो दिस वाज द सीरम. एंड इसके बाद बस मैं नॉर्मल कॉम करती हूँ बालों को ब्रश की हेल्प से. आई डोंट यूज द नॉर्मल कॉम्स आई यूज द ब्रश डिटेंगल करने के लिए अपने बालों को. सो दिस वॉज द स्मॉल तो नहीं है बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया. वरना बेसिक अगर मेरे नॉर्मल स्टेप्स
मेरे बालों के मेरी हेयर केयर के नॉर्मल स्टेप्स यही हैं, ऑयलिंग, हेयर वॉश, कंडीशनर एंड देन ये चार स्टेप, दैट्स इट. बट मैंने अभी आपको कॉम्पैक्ट पूरा दिखाया कि मैं अपने बालों के लिए क्या क्या करती हूँ या क्या क्या यूज़ करती हूँ. सो या दिस वॉज समथिंग अबाउट माई हेयर जो आपको जानना था. सो अभी मैं ये सारा समेट देती हूँ क्योंकि मुझे अभी जैसे कॉलेज से अगर मैं जल्दी आ गई हूँ तो आई हैव टू शूट सम वीडियोज. सो आई विल बी शूटिंग वीडियोज. सो दिस इज द मेन रीजन. तो अभी हम वीडियो शूट करेंगे. सो आज आई विल प्लान टू शूट एटलीस्ट टू वीडियोज, दो तो करनी ही करनी है, एंड ऑल्सो टू एडिट थ्री वीडियोज. या तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा मैं ये वाली वीडियो भी मैं कब शूट कर रही हूँ, दिवाली से भी पहले, और ये आपको शायद दिवाली के बाद नवंबर में ही देखने को मिलेगी. सो लेट्स डू दैट. शूटिंग एटलीस्ट टू वीडियोज एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. सो तब तक के लिए चेंज माई सेल्फ इन डिफरेंट सेट ऑफ क्लॉथ्स. तो मैंने ना कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं जस्ट वीडियो के लिए, बिकॉज फिर हर वीडियो में ना मैं करती सारी वीडियो ऐसे हूँ, एक दिन में सब शूट कर लेती हूँ, मतलब सब तो नहीं बट बहुत कुछ शूट कर लेती हूँ, एंड फिर ऐसा लगता है कि भाई इसके पास एक ही कपड़े हैं क्या, मैं मुझे खुद को ऐसी फील आ जाती है. सो बेसिकली ना अभी मैं मेरा जो मेकअप एंड क्या बोलते हैं उसको, स्किन केयर का जो भी आइटम वगैरह है, मुझे वो डीक्लटर करना है एंड उसे ऑर्गेनाइज करना है. तो मैं उसके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ एंड तो अभी ना आपको कंडीशन दिखाती हूँ, उसकी कंडीशन क्या है, एंड देन यू विल देन मैं पूरी वीडियो शूट होने के बाद देन मैं आपको फिर से उसकी कंडीशन दिखाऊंगी अब कैसी होगी है. सो वेट, पहले ना इस वाली जो ये जो अलमीरा है इसमें होता था मेरा जो भी सामान होता था, या फिर बाहर एक ड्रेसिंग टेबल था उस पर होता था, एंड अब मैंने ये जो लास्ट अलमीरा है इसमें शिफ्ट कर लिया है. सो आई विल शो यू कि ये ऐसे कैसे कचरा सा बना पड़ा है सबका. वेट, सो ये अभी पूरा कचरा बना पड़ा है इसका, कुछ भी सामान कैसे भी पड़ा है. इस ड्रॉअर में भी बहुत सारा सामान है, इसमें पूरा मेकअप का सामान है, मैं आपको दिखाती हूँ उसकी भी कंडीशन. वेट, खुलना पड़ता है. सो इसमें सारा मेकअप का पड़ा हुआ है एंड कचरा बना पड़ा है इन सबका. इसमें भी बहुत कुछ है, इसमें ज्वेलरी है बेसिकली. सो अभी हम सबको ऑर्गेनाइज करेंगे, जो चीज़ें रखनी है वो रखेंगे, बाकी चीज़ें निकाल देंगे. ये सोच के नहीं रखने वाली हूँ मैं कि वो काम आएगी या समथिंग. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ दैट. एंड इस टेबल पे मेरी रेगुलर वाली चीज़ें हैं जो कि भाई मुझे रोज़ डेली यूज़ में चाहिए होती हैं. सो इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें निकालनी हैं से ये वीडियो शूट करके एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ. सो द क्लीनिंग इज डन नाउ. मैं आपको मोटा मोटा दिखा देती हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज आई एम प्लानिंग टू डू अनदर वीडियो जिसमें कि मैं आप लोगों को मेरा कलेक्शन दिखाने वाली हूँ. सो दिस इज व्हाट द डेली यूजेज वाला एरिया लुक्स लाइक, मतलब इसमें मोस्टली वो सामान है जो डेली के लिए चाहिए होता है मुझे. सो यस, एरिया जिसमें कि मोस्टली सारा सामान है, सब ऑर्गेनाइज कर दिया बिल्कुल अच्छे से. अभी मैं आपको मेकअप वाला दिखाती हूँ. सो दिस इज़ व्हाट द मेकअप वाला एरिया लुक्स लाइक. पहले कितना ज़्यादा लग रहा था ना, ऐसे लगता था पता नहीं कितना सारा मेकअप है, बस सिर्फ यही है. एंड इट कंटेन्स माई लिपस्टिक्स. देन ये ज्वेलरी वाला ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा जो फेक ना हो मुझे. सो या दिस एरिया. उसके बाद हमारे पास ये पूरी बास्केट भर के सामान निकला है जो कि किसी यूज का नहीं है. बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं एंड कुछ फाउंडेशंस हैं एंड कुछ ये फेस पैक है. मैं बहुत टाइम से इसे रख रखा था बट अभी इसे फेंकना पड़ेगा. गाइस, सो शूट इज डन एंड सारा जो सामान फैला हुआ था वो भी अलग से ठीक कर दिया है मैंने, और पीछे ये लाइट ऑन है, मैं इसे बंद कर देती हूँ. ओके, तो मोस्टली बाकी सब हो गया है एंड अभी हम लोग कुछ अपनी स्किन के लिए करेंगे बिकॉज इट्स
बिहेविंग पथेटिक राइट नाउ एंड बहुत टाइम हो गया कुछ मास्क वगैरह लगाए ताकि इनको थोड़ा सा हीलिंग मिल सके. सो लेट्स डू दिस. चेंज इन घर का कपड़ा एंड अभी फटाफट से मैंने बाल भी खोल लिए हैं. इनको कॉम करके इनका कुछ या तो पोनीटेल बनाते हैं, जूड़ा बनाते हैं, बिकॉज सारा दिन इसमें नहीं निकलने वाला. एंड 4 बज गए हैं. सो मुझे भूख लगाई है, मैं कुछ खाती हूँ. आफ्टर दैट आई हैव टू डू द एडिटिंग. शिट डूड, यूट्यूब की लाइफ इज नॉट दैट इजी. इट लुक्स नाइस. मैंने बनाया इसलिए था ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि मैं मेरे बालों के लिए क्या क्या यूज करती हूँ. एंड आई थिंक वो एजेंडा पूरा हो गया है अब. सो आई शुड यू नो एंड दिस व्लॉग हेयर ओनली बिकॉज नाउ नथिंग मस्ट टू डू टूडे. एंड या मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने अब किसी अगली वीडियो या व्लॉग में. सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. वी आर प्लानिंग कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले. फर्स्ट एनिवर्सरी इस चैनल की जो कि है 1 जनवरी को, 1 साल हो जाएगा. सो यस, डू दिस, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा एंड सब्सक्राइब करो. मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.